टॉपिक शुरू करें अपन, ठीक है। मतलब पिछली क्लास में हम ट्रांसफार्मर कर रहे थे, आज की क्लास में जो हम करेंगे ना, हम अपने जो ट्रांसफार्मर से, मतलब कि ट्रांसफार्मर क्यों इस्तेमाल होता है, उसको इसकी एप्लीकेशन कहाँ करते हैं, वो हम करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने में। ट्रांसफार्मर का नाम जो आया है वो कहाँ से आया है? पावर, एक शब्द है पावर ट्रांसमिशन। तो पावर को ट्रांसमिट करने में ही ट्रांसफार्मर का काम है। अब उसमें पावर हम पढ़ चुके हैं, पावर होता क्या है, ठीक है, व्हाट इज पावर, वी नो दैट। तो हम ये देखेंगे कि जब हम, जहां हमारे बिजली घर में बिजली बनी, हमने जो बिजली बनाई उसमें कुछ पावर थी, और जब हम उस बिजली को भेजेंगे, हम किसको भेजेंगे, हम उस पावर को भेजते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं पावर ट्रांसमिशन। जब पावर ट्रांसमिट होती है तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास पावर के तीन फॉर्मूले होते हैं, पावर के जो जनरल फॉर्मूले जो आपने छोटी क्लासों में भी पढ़े हैं। पावर का एक फॉर्मूला होता है V into I, एक फॉर्मूला होता है V square by R, एक फॉर्मूला होता है इसका I square by R, ठीक है। अब क्योंकि इसमें पावर में क्या है, I square R, और ये जो I square पावर होता है I square RT, और जो ये इसमें I square R है ना, ये और कुछ नहीं, ये एक तरीके का हीट का लॉस है। क्या है? हीट का लॉस। तो साइंटिस्टों ने, या जब ये डेवलपमेंट हुई, उसमें ये थ्योरी सेटअप हुई कि जब भी हम पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करेंगे, पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हमें इस हिसाब से ट्रांसमिट करना है कि उसकी जो एनर्जी है वो कम से कम लॉस हो। एनर्जी का हमने मान लो कि 1000 एनर्जी बनाई, और ट्रांसफॉर्म हमने तारों के थ्रू, मतलब कि बनी तो बिजली तो बनी ऋषिकेश में। बिजली जनरली कहाँ बनती है? जहां पे बड़े बड़े डैम्स होते हैं, ऋषिकेश में बन रही है बिजली, हरिद्वार में बन रही है बिजली, और यूज में इसको यहाँ दिल्ली में कर रहा हूं, तो वो कैसे आ रही है? उड़ के तो आ नहीं रही बिजली, वो बिजली आ रही है बेटा ऋषिकेश से, या मैं कहूं पावर हाउस से, वो तारों के थ्रू आ रही है। और जब वो बिजली तारों के थ्रू आ रही है ना, और वो मेरे घर तक कोई बिजली आ रही है, तो यहाँ पे जो इसको पावर दी गई थी और यहां तक जो उसको पावर मिलती है, उसके अंदर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाते हैं। और हमारी कोशिश यह है कि जब भी हम पावर को ट्रांसमिट करें, उसके नुकसान, उसके लॉसेस कम से कम हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमने पिछली क्लास में ट्रांसफार्मर किया था, ट्रांसफार्मर में कितने तरीके के लॉसेज होते हैं। लिखिए लॉसेज इन ट्रांसफार्मर, लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के लॉसेस क्या क्या होते हैं? सबसे पहला लॉस है बेटा हमारे पास फ्लक्स लॉस। फ्लक्स क्या होता है बेटा हमारे पास? फ्लक्स होता है हमारे पास फाई, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। अच्छा जी, पढ़ना शुरू कर दिया आपने, तो ये हमारे पास फ्लक्स होता है। हमने क्या करा था, एक कॉइल ली, एक दूसरी कॉइल ली उसको ऐसे, और बीच में हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर है, तो जितना इसका जो फ्लक्स निकल रहा है और जो दूसरे वाली कॉइल से लिंक हो रहा है, वो कई बार कंप्लीटली लिंक नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें कमी रह जाती है। और क्योंकि फ्लक्स कंप्लीटली लिंक नहीं होता, उस लॉस को हम कहते हैं फ्लक्स लॉस। लिखिए इसको, इट इज द प्राइमरी लॉस विच इज ड्यू टू इनकंप्लीट, और ब्रैकेट में लिखिएगा फ्लक्स इज नॉट कंप्लीटली लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। एक हमारी बेटा प्राइमरी कॉइल थी ना, एक हमारी सेकेंडरी कॉइल थी, इसका फ्लक्स दूसरे वाले वाली कॉइल से कंप्लीटली लिंक नहीं होता, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ जो नुकसान होता है, किसका नुकसान हो रहा है? अगर फ्लक्स कम लिंक हुआ तो हमारा ईएमएफ, पहली वाले में देखो हमारे पास दो कॉइल है, इस वाले में जो हमने ईएमएफ दिया वो है ईपी, और इसमें जो ईएमएफ आया वो था ईएस, और ईपी और ईएस के रिलेशन से हमने एक फॉर्मूला निकाला था, क्योंकि यहां से हमें निकलेगा, इस केस में ये इंड्यूस होएगा, क्योंकि इसके अंदर आपकी म्यूचुअल इंडक्टेंस लग रही है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से यहां पे मुझे एक ईएमएफ इंड्यूस होके मिलेगा, और वो किसके बराबर था, ईपी इनटू एनएस बाय एनपी। ये मेरे पास इंड्यूस्ड
ईएमएफ की वैल्यू थी। तो अगर यहां पे इस वाली कॉइल में सेकेंडरी कॉइल में फ्लक्स कम लिंक होगा तो मुझे ईएमएफ कम मिलेगा, और ईएमएफ से तो सारी कहानी जुड़ी हुई है, मेरा अल्टरनेटिंग करंट ईएमएफ से तो शुरू हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से सबसे पहला नुकसान क्या है हमारा, फ्लक्स लॉस। दूसरा लॉस लिखिए आयरन लॉस, इस ये जो बेटा आयरन लॉस है ना, क्या होता है इस पूरे प्रोसीजर में जो ये बीच में सॉफ्ट कोर है ये किसका बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, और जो ये नुकसान हो रहा है इसकी वजह से हो रहा है। क्या नुकसान हो रहा है, जैसे जैसे ये प्रोसीजर चलता रहता है, जैसे जैसे प्रोसीजर चलता है ये जो बीच का सॉफ्ट आयरन कोर है ये गर्म होना शुरू हो जाता है, और जब ये हीट होना शुरू हो जाता है इसकी वजह से हीट में क्या है आपका बहुत सारा करंट वेस्ट हो जाता है, ठीक है। करंट की ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट की वजह से ही हीट होता है, और इस वजह से कुल मिला के आपकी पावर लॉस हो जाती है, ठीक है। यही तो पावर में आ रही है, कुल मिला के पावर लॉस हो जाती है। तो इस वजह से लिखिए इट इज द लॉस विच इज ड्यू टू हीटिंग अप ऑफ आयरन, इट इज द लॉस विच इज ड्यू टू हीटिंग अप ऑफ आयरन and due to formation of eddy currents it loses energy। पिछली वाली क्लास में हमने एडी करंट्स के बारे में डिस्कशन किया था। तीसरा होता है बेटा हमारा कॉपर लॉस। कॉपर लॉस वहां पे होगा जहां पे हमने कॉपर को इस्तेमाल किया गया होगा। कॉपर हम कहां इस्तेमाल करते हैं, वायर्स में। वायर्स जनरली जो वायर के अंदर हमारा मटेरियल होता है वो होता है कॉपर का, और कॉपर वायर के अंदर कौन फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। तो उसकी वजह से जो हीट लॉस होगा वो होगा आई स्क्वायर आर, लिख लीजिए। बिकॉज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर There is a heat loss I square R, ठीक है। अगला लिखिए हाइस्ट्रेसिस लॉस। ये हाइस्ट्रेसिस पहले जो बेटा हमारा चैप्टर 5 था ना उसमें इसको कवर किया जाता था, जो हमने मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर 5 पढ़ा था उसमें कवर किया जाता था, अब इसको कवर नहीं किया जाता। अभी हाइस्ट्रेसिस की बेसिक नीड या बेसिक जो फंडा है ना वो समझ लो। हम एक मटीरियल को क्या कर रहे हैं, एक मटेरियल को हम धीरे धीरे मैग्नेटाइज कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद उसको हम डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं। हम मटेरियल को मैग्नेटाइज कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं, उसको हम मैग्नेटाइज कर रहे हैं, डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं। बार बार मैग्नेटाइज बार बार डीमैग्नेटाइज करने से एक मटेरियल की अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खो जाती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं हाइस्ट्रेसिस, जिस वजह से बार बार मैग्नेटाइजेशन और बार बार डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से एक मटेरियल की अपनी कौन सी प्रॉपर्टी, मैग्नेटाइजिंग प्रॉपर्टीज लूज होती जाती हैं। तो हम इसमें भी क्या करते हैं, बार बार इसमें क्या है, इसमें मैग्नेटाइजेशन इंक्रीज होती है, बार बार मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज होती है। इस वजह से जो आपका जो ये मटीरियल है सॉफ्ट आयरन कोर, क्योंकि यही तो एक मैग्नेटिक मटीरियल है, इसकी वजह से जो लॉस होता है उस लॉस को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। देखिए It is due to continuous magnetization and demagnetization process. It is due to continuous magnetization and demagnetization process. नेक्स्ट लिखिए साउंड लॉस। फिफ्थ है बेटा साउंड लॉस। साउंड कहां पे आती है, जब भी जनरली कोई मशीन चलती है उसमें साउंड प्रोड्यूस होती है। यहां पे जो साउंड की जो एनर्जी क्या है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है। पावर हाउस में बिजली बन रही है। ये जो हम इस लॉस की बात कर रहे हैं ये वो लॉस है जो बिजली बनते वक्त होता है। बिजली बनते वक्त इस ईएमएफ के इंड्यूस होते वक्त ये लॉस हो रहा है। क्या होता है कि जो हमने फ्रेम बनाया था, हमने अपनी कॉइल को लपेटना शुरू किया था ना, हमने एक तरफ कॉइल को प्राइमरी कॉइल को लपेटा था, एक दूसरी तरफ। अगर आपको याद हो एग्जैक्टली तो हमने फ्रेम ऐसा बनाया था,
ठीक है ना, एग्जैक्ट अगर एग्जैक्ट बात करूं, इस फ्रेम को हमने डिजाइन किया था, इस हिस्से के ऊपर हम कॉइल को चढ़ाते हैं और बाद में इसको ऊपर कर देते हैं, ये काम हमने किया था। बट ये केवल एक लेयर नहीं थी, ऐसी इसकी बहुत सारी लेयर्स थी, और उन लेयर्स को हमने क्या नाम दिया था, ये एक लेयर दो लेयर, इन लेयर को हमने नाम दिया था स्टेपल्स। क्या होता है जब ये प्रोसेस ऑन हो रहा होता है, एक स्टेपल दूसरे स्टेपल से टकरा के उनके अंदर कुछ वाइब्रेशन की वजह से साउंड एनर्जी क्रिएट होती है, और जो वो साउंड एनर्जी क्रिएट होती है उसकी वजह से कुछ लॉस होता है, और उस लॉस को हम कहते हैं साउंड लॉस। लिखिए, इट इज द लॉस, इधर से चले जाऊंगा, इट इज द लॉस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ स्टेपल्स, इट इज द लॉस ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ स्टेपल्स। मम्मी पापा बुला रहे, अब हम अपने मेन अपने उस पे टॉपिक पे आते हैं, पावर ट्रांसमिशन में। पावर ट्रांसमिशन में जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जब आपकी पावर ट्रांसमिट होती है, इन पांचों में से कौन सा ज्यादा कॉमन लॉस है जो होगा, वो है आपका जर्नली कॉपर लॉस। इस लॉस को मिनिमाइज करना होता है हमें, क्यों, ये लॉस इसलिए मिनिमाइज होता है, यहां पे पावर बन गई, यहां तक जानी है किसकी वजह से जाएगी, वो जाएगी तारों की वजह से, और तारों में जो लॉस होता है वो होता है कॉपर लॉस। अब इसको मिनिमाइज करने का तरीका समझो, इसके पीछे की स्ट्रेटेजी समझो। मान लो कि मेरे पावर हाउस पे 1000 यूनिट, मेरे पावर हाउस पे 1000 यूनिट पावर डेवलप हुई, ठीक है, 1000 यूनिट पावर डेवलप हुई, बट यहां तक अगर मुझे वो 1000 यूनिट भेजनी है तो उसको मैं कैसे करूंगा, ध्यान से समझना। अब जो पावर जनरेट होती है वो किसकी वजह से होती है, V into I की वजह से होती है। अगर यहां पे पावर जनरेट हुई है, V into I का मतलब इसका कुछ EMF था और इसमें कुछ करंट था, ध्यान से समझना। अब होता क्या है कि जब EMF, मान लो कि ये जो 1000 पावर आई है, ये आई है 200 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय 5 एम्पियर, 205000 आ गया नहीं आ गया। अब ये ट्रांसमिट होना शुरू हो गई, बट बीच में क्या होना ही होना है, बीच में ये फंडा होना है, कॉपर लॉस होना है, उसकी वजह से एनर्जी लॉस होनी है। एनर्जी लॉस किसके ऊपर डिपेंड करती है, एनर्जी लॉस डिपेंड करती है करंट के ऊपर। इसके अंदर कितना करंट था, इसके अंदर करंट था 5 एम्पियर, तो इसके अंदर जो एनर्जी लॉस होगा वो होगा 5 into 5, और जो इस वायर का अपना रेजिस्टेंस होगा, इतना इसमें एनर्जी लॉस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 25 आर। और हम ये देखेंगे यहां तक आते आते ये पावर 300 रह गई, कितनी यूनिट चली थी 1000 यूनिट, करते करते 300 आ गई। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, बाकी एनर्जी कहां चली गई, वो हीट की फॉर्म में लॉस हो गई, हीट की फॉर्म में इतनी एनर्जी लॉस हो गई। तो हमें इस लॉस को मिनिमाइज करना है अगर हम पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। तो इसको कैसे करते हैं, हम इसको ऐसे करते हैं कि जब हम पावर हाउस पे एनर्जी को क्रिएट करते हैं, लेकिन एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, क्रिएट नहीं कर रहे, मतलब जब एनर्जी डेवलप हो रही है उसका हम ईएमएफ बढ़ा देते हैं, और ईएमएफ बढ़ा देते हैं तो उसका करंट डिक्रीज हो जाता है। मान लो कि अगर मुझे 1000 लाना है तो ऐसे भी तो आ सकता है 500 मल्टीप्लाई बाय 2, इस 500 मल्टीप्लाई बाय 2 से कितनी यूनिट पावर आ रही है 1000, बट इससे करंट कितना आया 2 एम्पियर, तो करंट का लॉस कितना हुआ, करंट का लॉस हुआ 4 into R। पहले कितना था करंट का लॉस, क्या मैंने रिड्यूस कर दिया, और करंट का लॉस कम होगा तो यहां तक आने वाली पावर 500 हो गई। अब हम चाहते हैं इसको और इंक्रीज करें, हमने करंट को और डिक्रीज करने की कोशिश करी, कैसे करी, हमने ईएमएफ और इंक्रीज कर दिया, ईएमएफ इंक्रीज हो गया 1000, तो करंट कितना आया 1, तो इसका लॉस कितना हुआ 1 का स्क्वायर into R, दैट इज R। करंट का लॉस और कम हो गया हीट का, तो इस वजह से पावर और बढ़ गई। जो पावर हाउसेज है ना, वो करंट को इससे भी ज्यादा कम कर देते हैं, करंट को पॉइंट में ले आते हैं, करंट को पॉइंट में ले आते हैं। ईएमएफ आप देखोगे, जब भी किसी ट्रांसफार्मर पे देखोगे तो गलियों, जो हमारे महावीर स्वामी पार्क पे भी लगा हुआ है, वहां पे लिखा होता है कि 10000 वोल्ट, 5000 वोल्ट, 880 वोल्ट, वो क्या है, वो ईएमएफ है जिसपे वो सप्लाई हो रही है पावर।
क्योंकि बीच में वो आते आते कम हो जाएगी, और इस हिसाब से हमारे यहाँ पे एरियाज में घर तक आते आते बिजली ट्रांसफॉर्म होती है। बट जब ये पावर हाउस से चली तो मैंने क्या करा, एक उसका ईएमएफ बढ़ा दिया। ईएमएफ को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, यहां पे एक ट्रांसफॉर्मर लगाना पड़ा। कैसा ट्रांसफॉर्मर लगाऊंगा, जैसे कि मुझे क्या काम करना था, मेरी बिजली तो जो बन के आई, लेट सपोज वो 440 वोल्ट की बन के आई, बट मुझे उसको हजार, मान लो कि मुझे उसको 10,000 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। अगर मुझे ईएमएफ इंक्रीज करना होता है, अगर मुझे ईएमएफ इंक्रीज करना होता है तो मैं कौन सा ट्रांसफॉर्मर लगाता हूं, ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मर का फॉर्मूला है। ये अगर मुझे इनपुट में मैंने ईएमएफ दिया 440 और आउटपुट मतलब कि ये है मेरा प्राइमरी और मैं चाहता हूं सेकेंडरी में बढ़ जाए, अगर सेकेंडरी में बढ़ जाए तो मुझे सेकेंडरी की नंबर ऑफ कॉइल्स बढ़ानी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं कौन सा ट्रांसफॉर्मर यूज करता हूं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। याद आया, तो जहां पे पावर सप्लाई जहां से की जाती है वहां पे कौन सा ट्रांसफॉर्मर किया जाता है यूज, स्टेप अप। स्टेप अप का क्या काम है, स्टेप अप हमारे ईएमएफ को बढ़ा देता है, ठीक है। उसके बाद वो बिजली यहां तक आई, किसमें आई, ज्यादा वोल्टेज पे आई। क्या मुझे 10,000 वोल्ट मेरे घर पे चाहिए, नहीं चाहिए, मेरे घर पे तो ऐसी चाहिए कि जो 10,000 वोल्ट से 220 वोल्ट में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि मेरे जितने भी अप्लायंसेस हैं वो इस वोल्टेज पे काम करते हैं। तो मैं यहां पे क्या करूंगा, मैं यहां पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा दूंगा, ऐसा ट्रांसफार्मर जिससे मेरा जो ईएमएफ है वो कम हो जाए। वो कैसे कम हो जाएगा, अगर मैं ये ट्रांसफार्मर की जो ये रेशियो है वो कम कर दूंगा, ये मैं कम कर NS/NP 1 से कम कर दूंगा, इतनी कम कर दूंगा, इस हिसाब से कर दूंगा कि मुझे इस हिसाब से इसकी पावर रेटिंग मिल जाए। और हेंस ऐसे ही हमारे घर पे बिजली आती है। बीच के रास्ते के लिए एनर्जी लॉस कम हो इसलिए हम ये वेरिएशन खेलते हैं, ठीक है। इसको नोट डाउन करो बराबर से, अपनी लैंग्वेज में लिखो, इन चीजों को जैसे भी लिखना चाहते हो, इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आगे, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द हीट लॉस, मैं लिखा हुआ आपको, इन ऑर्डर टू कंट्रोल द हीट लॉस वी नीड या वी विश टू कंट्रोल द करंट, वी विश टू कंट्रोल द करंट, ठीक है। आगे देखिए, For doing this, the transmission of power must be done at higher voltage and minimum current. आप इसको लिख सकते हो V max and I minimum. Therefore, we use step up transformer at generation point for power transmission. Next point में लिखना, and we use step down transformer at receiving point, and we use step down transformer at receiving point in order to decrease that voltage. In order to decrease that voltage. कहानी पूरी समझ आ गई ना? एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1. If we want to transmit power at a higher distance, what should we do? If we want to transmit power at higher distance, what should we do? क्या आंसर है इसका? अगर मुझे अपनी पावर को ज्यादा डिस्टेंस पे ट्रांसमिट करना है तो मुझे क्या करना चाहिए? मेन काम यह है कि मुझे करंट को डिक्रीज करना चाहिए। करंट को डिक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका हीट लॉस मिनिमम हो जाएगा। लिखिए, वी मस्ट डिक्रीज अवर हीट लॉस, ब्रैकेट में लिख लेना I²R। इसका आंसर बता दिया मैंने, वी मस्ट डिक्रीज अवर हीट लॉस, ब्रैकेट में लिख लेना I²R। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन वी कंट्रोल अवर हीट लॉस, हाउ कैन वी कंट्रोल अवर हीट लॉस।
हम अपने हीट लॉस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हीट लॉस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कौन कंट्रोल कर रहा है इसको, करंट। देखिए बाय एडजस्टिंग द करंट, बाय एडजस्टिंग द करंट वी कैन कंट्रोल आवर हीट लॉस, बाय एडजस्टिंग द करंट वी कैन कंट्रोल आवर हीट लॉस। तीसरा क्वेश्चन, हाउ कैन वी डिक्रीज द करंट ड्यूरिंग पावर ट्रांसमिशन, डिक्रीज द करंट ड्यूरिंग पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन करने के लिए हम करंट को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं, लिखिए बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। अगर स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज करेंगे वो वी को क्या कर देगा, मैक्सिमम, और ज्यादा वी होने से ये मी आई मिनिमम हो जाएगा, क्योंकि पावर तो क्या है वो वी इंटू आई का ही तो मिश्रण है। ठीक है, लिख सकते हो आप इसको, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो बाय इंक्रीजिंग द ईएमएफ बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कैन वी यूज डीसी करंट, कैन वी यूज डीसी करंट फॉर पावर ट्रांसमिशन, क्या पावर ट्रांसमिशन के लिए हम डीसी करंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, हैं? क्यों नहीं। क्यों नहीं कर सकते, दोनों का कारण बताओ। डीसी करंट क्या होता है, स्टेडी करंट है, ठीक है, यही इसका आंसर है। डीसी करंट मान लो कि आप इस्तेमाल कर रहे हो तो क्या होगा, करंट चेंज हो, देखो डीसी करंट के लिए देखते हैं, ई की वैल्यू क्या होती है हमारी, ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ये फाई क्या होता है, बी ए, ई इज इक्वल टू डी बाय डी टी ऑफ बी इंटू ए, अभी कॉस थीटा भूल जाते हैं, वो मैक्सिमम रखते हैं, बी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड, एक सर्कुलर वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होती है हमारी म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, मैं एन को अगर यहाँ पे यूनिटी मान लू तो म्यू नॉट इंटू आई हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूं डी बाय डी टी ऑफ इंटू, ये म्यू नॉट तो कॉन्स्टेंट है, डी से बाहर आ जाएगा तो डी आई बाय डी टी। और करंट क्या चेंज होता है आपके ई एम एफ ओ डीसी करंट में विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डीसी सप्लाई में क्या करंट बदलता है, नहीं बदलता करंट तो उसमें, अरे ये तो बेटा हमने ईएमएफ का फॉर्मूला उठा लिया ना, तो ईएमएफ कब बनेगा, ईएमएफ इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, हमें ये पढ़ा हुआ है ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीआई बाय डीटी, कब होगा ईएमएफ इंड्यूस, जब चेंज इन करंट होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या समय के हिसाब से डीसी करंट बदलता है, तो क्या उसमें ईएमएफ जनरेट होगा, क्योंकि करंट सेम होता है तो उसमें जनरेट होने वाला ईएमएफ कितना है, जीरो, और अगर ये जीरो है तो पावर कितनी होगी, जीरो। ठीक है, लिख लीजिए, हैवी तो फॉर यूजिंग डीसी करंट, फॉर या ड्यूरिंग यूज ऑफ डीसी करंट ड्यूरिंग पावर ट्रांसमिशन, द करंट इज हाई, एंड ड्यू टू वेरी हाई करंट the heat loss will be very high, the heat loss will be very high, hence DC current is not used for power transmission. तो DC current को इस्तेमाल करके जो मैंने बात बताई कि हम EMF induce नहीं कर सकते, ठीक है, बट मान लो कि हमने डीसी करंट, हमने उसके लिए ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकते, इसका मतलब क्योंकि डीसी करंट ट्रांसफार्मर पे काम नहीं करता, इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर किसी ट्रांसफार्मर को आपने डीसी करंट की सप्लाई दे दी, अगर इस ट्रांसफार्मर को मैंने जो सप्लाई दे दी डीसी करंट की दे दी, तो ये मैंने देख लिया कि ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। मान लो कि मैंने बिना ट्रांसफार्मर के एक शहर से दूसरे शहर पावर सप्लाई कर दी, किसकी कर दी, डीसी करंट की कर दी, इसकी कुछ करंट की वैल्यू होगी, करंट की वैल्यू होगी, तो उसकी वजह से कुछ आई स्क्वायर आर होगा, और पूरे रास्ते जितने भी लंबी तार है पूरे रास्ते उसमें क्या होता जाएगा,
इस करंट की वजह से हीट लॉस होता जाएगा, और अगर इस करंट की वजह से हीट लॉस होता जाएगा तो यहाँ पे जो हमें पावर आउटपुट मिलेगा हमारे घर पे वो बहुत कम हो जाएगा, और जो हम चाहते नहीं है। इसलिए हमारे इंडिया में या जहां भी बन रही है जो बिजली बन रही है वो अल्टरनेटिंग बन रही है, वो वाली जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करनी है। ठीक है, लिखे दैट्स व्हाई वी आर प्रोड्यूसिंग अल्टरनेटिंग करंट्स फॉर पावर ट्रांसमिशन। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग अल्टरनेटिंग करंट फॉर पावर ट्रांसमिशन।